Let it hang, hang. वेलकम बैक टू अवर चैनल अमायरस फैक्ट्री। आज मैं आ गई हूँ एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा चाइल्डहुड बोल सकते हैं, चाइल्डहुड उसी से ही फुलफिल हुआ है। मेरी मॉम के हाथ का चिली चिकन जो मेरा पर्सनल फेवरेट था, तो वही रेसिपी आज मैं आप लोग के सामने लेके आई हूँ। अगर मेरी मॉम होती तो शायद वो आप लोग के साथ शेयर करती, बट नेवर माइंड, वो नहीं है तो मैं ही शेयर कर देती हूँ। बट हाँ, मेरी माँ जितना शायद परफेक्ट, उतना परफेक्ट ना बने, स्टिल आई विल ट्राई। तो चलिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चिली चिकन है, पहले हम चिकन को जैसे मैरिनेट करेंगे, तो मैंने लास्ट नाइट मैरिनेट किया था, तो वो पहले क्लिप मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैरिनेशन में हमें क्या क्या क्वांटिटी क्या क्या लगेगा। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसके बाद हमें एडिशनल यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने लिया है अराउंड 500 ग्राम्स चिकन विद बोन्स, एंड इसको मैरिनेट करने के लिए हमें क्या क्या लग रहा है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, इसको रफली चॉप करना है। यहाँ पे मैंने 7 से 8 ग्रीन चिलीज लिया है, चिलीज आप अपने हिसाब से लीजिए। 2 इंच के करीब मैंने जिंजर लिया है, उससे ज्यादा मैं गार्लिक लूंगी, ठीक है। अगर आपके पास बड़े क्लोव्स हैं तो 20 के करीब, एंड अगर छोटे हैं तो 30-35 के करीब आप क्लोव्स लीजिए इसके टोटल, ठीक है। एंड यहाँ पे है नमक, एंड विनेगर लगेगा, एंड सोया सॉस। तो चलिए पहले हम सारी चीजों को पेस्ट कर लेते हैं। पहले हम गार्लिक डाल देंगे, प्याज, ग्रीन चिलीज, अदरक, इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे हम लोग। तो ये पेस्ट हो चुका है, तो पेस्ट डालने से पहले चलिए पहले इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब विनेगर, बड़ा टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस। अब डाल देंगे जो पेस्ट हमने बनाया था, हम इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसको मैं हाथ से मिक्स कर लूंगी अच्छे से। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर चुके हैं। आपको लग रहा होगा कि ग्रेवी बहुत ज्यादा है, तो इसमें अब कुछ एडिशनल नहीं पड़ेगा, ये 1 पॉट रेसिपी टाइप का ही है, तो इसीलिए इसको ओवरनाइट हमें मैरिनेट करके रखना है। दैट्स इट, हो गया। अब इसको हम रेफ्रिजरेटर में 8-10 आवर्स के लिए रख दीजिए, ओवरनाइट रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए इसको ढक के रख देते हैं। ये ओवरनाइट जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था वो है। ओके, इसके बाद हमें लगेगा 1 टेबलस्पून के करीब टमाटो सॉस, चिली सॉस मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ, डार्क सोया सॉस मुझे 1/2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून लगेगा, सॉल्ट है, 1 टमाटर लगेगा, 3 प्याज मैंने बोला था आपको 3 प्याज लगेगा कि उस रेशियो में अगर करें आप तो 1 टमाटर लगेगा, और ये ग्रीन चिलीज है, ये डेकोरेशन पर्पज के लिए, दैट्स इट। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3-4 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, ठीक है, इसमें मैं चिकन को डाल दूंगी ग्रेवी बॉक्स। सब हमने इसमें डाल दिया है, हाई फ्लेम में कम से कम 5 मिनट इसको चलाना है। तो 5 मिनट हमने हाई फ्लेम में इसको चला लिया, अब इसको मीडियम फ्लेम करके ढक के पकाना है, जब तक कि थोड़ा सा मसाला सूख ना जाए, फिर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं चिकन का कंडीशन क्या है। ओके,
तो इस पॉइंट में जो टमाटर है, ये मैंने टमाटर जो है रफली चॉप किया हुआ है, ये हम डाल देंगे। इसको कवर करके और 10 मिनट और रख लें। तो चिकन ने अपना काफी पानी छोड़ दिया है, इस पॉइंट पे हम सारे सॉस इसमें ऐड कर देंगे। पहले जो टमाटो सॉस मैंने लिया था उसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैं सोया सॉस डालूंगी। ये अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसको डालूंगी। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सोया सॉस डाला है तो आप थोड़ा सा कम ही सॉल्ट इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वो सॉल्टी ही रहता है। उस अकॉर्डिंगली हम पहले भी इसमें सॉल्ट मिक्स कर चुके हैं, तो सॉल्ट हम बाद में ऐड करेंगे थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद। इसको और थोड़ी देर पकाना है, 5 मिनट के करीब। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट इसमें लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, फिर और 2 मिनट के लिए चलाएंगे। तो इसको और मैंने 5-6 मिनट पकाया था, तेल छोड़ चुका है, तो हमारा चिली चिकन बनके तैयार है। तो चलिए इसको सर्व करते हैं, डेकोरेट करते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। तो ग्रीन चिलीज जो है वो भी डाल देते हैं। अब इसको सर्व करते हैं। चिली चिकन बना लिया। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें ब्लैक पेपर का इस्तेमाल नहीं किया है। इट्स नॉट अ ऑप्शनल, आपको देना चाहिए, बट ड्यू टू सम रीजन मैंने ब्लैक पेपर अवॉइड किया, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो के एंड में आपको बता दूं। तो ये रेसिपी बहुत क्विक है एंड बहुत टेस्टी है, इसमें ऑयल भी ज्यादा नहीं पड़ता है ना। एंड इसको आप एज ए स्टार्टर मतलब खा सकते हो। मैं जनरली इसको फ्राइड राइस के साथ ही खाती हूँ, ये मेरा वर्शन है फ्राइड राइस का। जब मेरे पास उतने वेजिटेबल्स ना रहे तो मैं ऐसे बना लेती हूँ फ्राइड राइस, बहुत डिलीशियस लगता है। कभी मौका मिले तो इसका भी रेसिपी शेयर करूंगी। तो उतना कुछ है नहीं खास, सभी को आता बनाना। तो बैचलर्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी है एंड सभी खा सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ बैचलर्स के लिए, ओवरऑल सभी खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्विक है, बस मैरिनेशन आपको वन डे ओवरनाइट करो तो ज्यादा अच्छा है। अगर टाइम ज्यादा ना हो तो 2 घंटे में भी बन सकता है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। बस कढ़ाई में डाल के आपको बाकी का जो काम करना आप कर सकते हो। बहुत ईजी, बहुत सिंपल है एंड बहुत डिलीशियस होता है, ट्रस्ट मी। तो जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर ट्राई करें तो कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा बना है। तो चलिए अभी एंड करती हूँ ये वीडियो। तब तक के लिए जो न्यू है, वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।